हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। पूर्वी और वीरेंद्र की नजदीकियां क्या हवेली में लेकर आएंगी भयंकर तूफान। जी हां दोस्तों, मोल की सीरियल इस वक्त अपने पीक पर है। इस शो के अंदर जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। फैंस को भी ये शो काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि वीरेंद्र और पूर्वी इस वक्त काफी करीब आ रहे हैं। हालांकि जब से शो में साक्षी की एंट्री हुई है, साक्षी ने वीरेंद्र को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है। वो वापस से वही पति पत्नी वाला एक रिलेशन निभाना चाहती हैं। लेकिन वीरेंद्र हैं कि वो पूर्वी के प्यार में काफी ज्यादा पागल हो चुके हैं, जो कि साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। साक्षी चाहती हैं कि किसी भी तरह मोल की यानी कि पूर्वी घर से बाहर चली जाए और वापस से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, वीरेंद्र और अपने बच्चों के साथ फिर से खुशी खुशी वक्त बिताएं। लेकिन ये तो इंडियन टीवी सीरियल है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है जब तक कोई ट्विस्ट और टर्न ना हो, शो की टीआरपी कैसे आएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी तक तो आपने शो के अंदर देख ही लिया है कि किस तरह से मोल की दिवस मनाया गया, जहां पर साक्षी ने पूर्वी का मुंह काला किया और उनको पैसों की माला भी पहनाई, ये जताने के लिए कि वो किसी की बीवी नहीं है और ना ही वो बीवी का हक समझे। वो एक मोल की हैं जो कि एक खरीदी हुई लड़की हैं। फिलहाल तो ये सब देखने के बाद वीरेंद्र का खून खौल गया और वो अब नहीं चाहते कि पूर्वी घर से बाहर जाए, और साक्षी चाहे कुछ भी कहें वो इस बात को मानने को राजी नहीं है। उन्होंने साफ साफ दो लफ्जों में कह दिया है कि पूर्वी घर से बाहर नहीं जाएगी। हालांकि पूर्वी को गले लगाते हुए साक्षी देख लेती है। इसके बाद तो और भी ज़्यादा हंगामा होने वाला है। साक्षी अब चुप नहीं बैठेंगी, वो किसी भी तरह अब वीरेंद्र को अपने वश में करने की कोशिश करेंगी। फिलहाल तो देखना ये होगा कि अब किस तरह से पूर्वी घर के अंदर सरवाइव कर पाती हैं, क्योंकि साक्षी भी अब पूरी तरह से एंटी होने वाली हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस शो को लेकर हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।